वेलकम टू माई चैनल। मैं काजल कुकिंग। आज मैं सबके लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं चिली चिकन। तो चलिए देख लेते हैं हम किस तरह चिली चिकन बनाते हैं। मैंने ये छोटे छोटे पीस ले लिए चिकन के, बोनलेस चिकन है, इतने छोटे छोटे पीस कटवा लिए हैं। ऐसे अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे विनीगर, एक चम्मच जैसा, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस। थोड़ा सा ही डालना, ज़्यादा डालेंगे नहीं, हाफ चम्मच जैसा। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और इसमें हम थोड़ा सा तीखी लाल मिर्च डालेंगे। अगर आपको तीखा नहीं चाहिए तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, स्किप कर दीजिएगा। अब इसमें हम अरारोट डालेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे, हाफ चम्मच के बराबर, ज़्यादा नहीं डालना है। अब इन सबको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मैंने चिकन को पहले से धो के रखा था, उसमें पानी था नहीं, इसमें पानी लगेगा भी नहीं। अब इसे ऐसे ही इस तरीके से मिलाकर डाल दिए, रख दीजिएगा, ये खुद ब खुद पानी छोड़ेगा चिकन से। आप इस तरीके से मिला लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा और अरारोट डालेंगे, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। ये सब फिर से मिला लेंगे। इसे हम अच्छे तरीके से मिला लिए हैं। अब इसे हम मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे तक या एक घंटे तक छोड़ देंगे इसको ढककर। इसके बाद हम इसके पकौड़े तल लेंगे। अब इसी तरीके से इसे हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो इसे हम मैरिनेट हो जाने तक रख देंगे, उसके बाद हम इसके पकौड़े तलेंगे। पकौड़ा बना लेते हैं। एक घंटे तक मैरिनेट कर लिया है मैंने। अब इसे हम कढ़ाई को तेल गैस पर चढ़ा लिया है, तेल को भी गर्म कर लिया है। गैस को मीडियम गैस पर गर्म कीजिएगा, तेल को पूरा हाई फ्लेम पर नहीं गर्म करना है, नहीं तो पकौड़ा जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा और अच्छे से पकेगा भी नहीं। इस तरीके से हम डालकर सब फ्राई कर लेंगे। इसे हम लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसे हम चला लेंगे। अब इसे हम लाल होने तक फ्राई करने देंगे, होने देंगे। देखिए लाल हो चुका है, और इसे हम निकाल लेंगे। लिया था, फ्राई कर लिया है सब। अब हम तेल को थोड़ा गर्म कम कर लिए हैं। अब इसमें हम चॉप किया हुआ लहसुन, चॉप किया हुआ अदरक और चॉप किया हुआ हरी मिर्च को डाल देंगे। इसे हम फ्राई कर लेंगे।
तो ये फ्राई हो रहा है, ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम इस तरीके से प्याज और शिमला मिर्च काट लिए हैं, प्याज को इस तरह से किए हैं काट कर। अब इसमें हम इसे डाल देंगे, ऐसे हम फ्राई कर लेंगे 2 मिनट तक। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फ्राई कर लेंगे 2 मिनट तक। तो देख सकते हैं सब्जी मेरा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा विनेगर 1 चम्मच के अनुसार। सोया सॉस डालेंगे 8 चम्मच, ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो काला पड़ जाएगा चिली चिकन आपका। और तीखे के लिए चिली सॉस डालेंगे। और थोड़ा मीठापन के लिए टोमेटो केचप डालेंगे। और इसमें डालेंगे अच्छी तरीके से। इसमें सारे सॉस डाल दिए हैं। अब इसे हम गाढ़ा करने के लिए 2 चम्मच अरारोट लिए हैं। अब इसमें हम पानी डालकर इसे पतला घोल बना लेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम डाल देंगे, अब इसे हम मिला लेंगे। अगर आपको कलर चाहिए तो कलर के लिए आप कलर फूड कलर भी डाल सकते हैं, या आप ये शेजवान चटनी भी डाल सकते हैं। इसमें हम इसमें डाल गए कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च। देख सकते हैं काश्मीरी लाल मिर्च को मैंने पानी से घोल लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे, इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, तो पानी मत डालिएगा, ज़्यादा कम पानी डालिएगा। इसमें चिकन डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप इसी तरीके से सूखा बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से मिला कर निकाल लीजिएगा। चिकन चिली हमको रेडी हो गया आपका। और इसमें थोड़ा सा ग्रेवी रखेंगे, तो उसके लिए हम पानी डाल देते हैं थोड़ा सा। हम ग्रेवी रखेंगे इसलिए थोड़ा पानी डाल दिए हैं। अब इसमें एक उबाल आने देंगे। तो देख सकते हैं उबाल आ चुका है, ये बन के मेरा अब रेडी हो चुका है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और आप सबको हम सब करके दिखाएंगे। तो देखिए बन के मेरा रेडी हो जाएगा चिली चिकन। तब बताइए कैसा लग रहा है, ऐसा बनाकर आप ज़रूर एक बार खाइएगा, बताइएगा कैसा लगा।
मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ आप सबके साथ।